हरियाणा कांग्रेस संगठन से जुड़ी बड़ी खबर। दीपक बाबरिया एक हफ्ते के अंदर सौंपेंगे संगठन की सूची। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपी जाएगी सूची। अलग अलग फेज में जारी हो सकती है संगठन की सूची। सबसे पहले जिला अध्यक्षों की सूची होगी जारी, दूसरे फेज में कार्यकारी अध्यक्ष का होगा ऐलान। नमस्कार, न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं दीप मेहता। हरियाणा कांग्रेस के संगठन से जुड़ी एक बेहद ही बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया एक हफ्ते के अंदर 22 जिलों अध्यक्षों की सूची कांग्रेस के हाईकमान को सौंप देंगे। जी हाँ, इसके लिए दीपक बाबरिया ने जिला अध्यक्षों के नाम तय करने शुरू भी कर दिए हैं और शनिवार तक नामों की अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इसके बाद जिला अध्यक्षों की सूची कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक हफ्ते के अंदर सौंप दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस संगठन की सूची अलग अलग फेज में जारी भी होगी। पहले फेज में जिला अध्यक्षों की सूची जारी होगी, वहीं दूसरे फेज में कार्यकारी अध्यक्ष का ऐलान भी होगा, जबकि डीसीसी और पीसीसी पदाधिकारियों की भी ऐलान किया जाएगा। हालांकि संगठन की सूची को अंतिम रूप कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संगठन महासचिव द्वारा भी किया जाएगा। हरियाणा में संगठन बनाने को लेकर कितनी भी तेजी से काम चल रहा है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया संगठन को लेकर लगातार दिल्ली में बैठक भी कर रहे हैं और जल्द ही वो अब संगठन के लिस्ट के साथ केसी वेणुगोपाल से भी मुलाकात कर सकते हैं। इससे पहले मंगलवार को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी जिला अध्यक्षों के साथ सूची को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात भी की थी। इधर आपको ये भी बता दें कि हरियाणा में बीते 9 साल से कांग्रेस संगठन तैयार नहीं हो पाया है। इसकी एक बड़ी वजह आपसी गुटबाजी भी है और इस बार भी आपसी गुटबाजी के चलते ही हरियाणा में कांग्रेस संगठन की सूची तैयार होने में देरी भी हो रही है। पहले जहां सूची 26 सितंबर को जारी होने वाली थी, लेकिन रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और किरण चौधरी की शिकायत के बाद इसे टाल दिया गया है। एसआर के गुट के नेताओं का आरोप था कि लिस्ट में सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट का दबदबा है। इसके अलावा एसआर के गुट ने प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया पर भारी भेदभाव करने का आरोप भी लगाया है। फिलहाल अब एसआर के गुट और हुड्डा गुट की शिकायतों को सुनने के बाद हरियाणा में संगठन बनाने को लेकर तेजी से काम किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि एक हफ्ते के अंदर दीपक बाबरिया जिला अध्यक्षों की सूची कांग्रेस हाईकमान को सौंप देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहें न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।